हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग क्या करें कि घटनाचक्र पूर्वावलोकन का क्या करें कि अपना एमसीक्यू का प्रैक्टिस करें, जनरल साइंस और साथ ही साथ हिस्ट्री का। सुबह के समय मतलब अभी के समय में हम लोग जनरल साइंस का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं और शाम के समय में क्या कर लेते हैं कि अपना हिस्ट्री का। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कॉमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। हम लोग जानते हैं कि पूर्वावलोकन पढ़ के जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कारण क्या होता है कि इसमें सारा पीसीएस का कंबाइंड करके क्वेश्चन डाल दिया गया है और साथ ही साथ यूपीएससी सिविल सर्विस का भी। तो कहीं का भी पीसीएस दीजिए, चाहे तो एसआई का एग्जाम दीजिए, एसएससी का, रेलवे का, उसके लिए तो समझिए कि ये रामबन है। तो इसको पढ़कर बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं का भी पीसीएस दीजिए, बिहार पीसीएस होने वाला है, बिहार टीचर का एग्जाम आने वाला है, तो वो सब में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साबित होगा। एसआई का एग्जाम आने वाला है, मतलब कि यूपीएसआई का भी, बिहार एसआई का भी, तो ये सब में जाकर पढ़कर जाइएगा तो आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व करके चलाइएगा। तो चलिए आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, सोनार जो है निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार कोई कास्ट यहाँ पे नहीं है, कोई जाति नहीं है, हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, ये भी ध्यान में रखना है। अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, डॉक्टरों के द्वारा लाया जाता है, इंजीनियरों के द्वारा लाया जाता है या नौ संचालकों के द्वारा। तो आपको ध्यान में रखना है कि सोनार जो है, सोनार कहाँ पर उपयोग आता है, तो नौ संचालकों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है, ज्यादातर पानी वाला जहाज में उपयोग में लाया जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। काम कैसे करता है, तो ये अल्ट्रासोनिक वेव पर काम करता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। मान लीजिए कि ये समुद्र तल का ऊपर वाला सतह है और यहां पर क्या है कि कोई जहाज है और कोई वस्तु जहाज से गिर जाता है या किसी और चीज से गिर जाता है और यहाँ पर समुद्र के तल पे जाके ये बैठ जाता है। तो अंदर तो बहुत ज्यादा पानी है, तो कोई वस्तु कैसे पता चलेगा, तो सोनार के द्वारा ही डिटेक्ट किया जाता है कि वो कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ से सोनार के द्वारा क्या किया जाता है कि अल्ट्रासोनिक वेव भेजा जाता है और इस वस्तु पे टकरा कर यहाँ पर जो रिसीवर लगा होता है उसमें रिसीव होता है कि कोई वस्तु कहाँ पे है। और इस तरह से आसानी से सोनार से पता चल जाता है समुद्र के सतह में कौन सा वस्तु कहाँ पे है। ठीक है, तो किसके द्वारा ये पता चलेगा, तो सोनार के द्वारा, तो नौ संचालकों के द्वारा ये प्रयोग में लाया जाता है, ये बात आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि सोनार का पूरा नाम क्या है, तो सोन नेविगेशन एंड रेंजिंग है। एक होता है रडार जो हवाई जहाज में उपयोग में आता है और सोनार जो होता है पानी वाला जहाज में उपयोग में आता है, ये बात आपको डिफरेंट करके याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग में लाते हैं। तभी हम लोग देखे थे क्या चीज को, तो सोनार को बहुत तरीका से बदल बदल कर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सब तरह से हम लोग देख लेंगे ताकि अपना कोई भी क्या है कि तरीका ना बचे क्वेश्चन पूछने वाले का और अपना सारा क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाए। ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ दिया है पर कि सोनार में हम उपयोग करते हैं क्या चीज का उपयोग करते हैं, रेडियो तरंगों का, ठीक है, श्रव ध्वनि तरंगों का, प्रस्रव तरंगों का या अश्रव तरंगों का। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा प्रस्रव तरंगों का। अभी हम लोग देखे थे कि अल्ट्रासोनिक वेव का यहाँ पर प्रयोग में लाते हैं जिसको प्रस्रव तरंग बोलते हैं हिंदी में, ये बात आपको ध्यान में रखना है। यूपी पीसीएस मेंस में क्वेश्चन पूछा था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या है। ठीक है, तो क्रोनोमीटर है या आइडियोफोन है या एनीमोमीटर है या आइडियोमीटर है। आइडियोफोन और आइडियोमीटर से आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये दोनों में हमेशा डिफरेंस को पता रखना है। आइडियोफोन जो होता है कोई भी जो वॉइस होता है ना उसको शुद्ध करता है, मतलब कि उसको मान लिया जाए कि कोई खराब वॉइस है तो उसको शुद्ध कर उसको देगा ताकि रिसीवर को देगा ताकि वो अच्छा से सुन सके। जैसे कि आप देखते होंगे कि नॉर्मल व्यक्ति जो कम सुनते हैं वो कान में एक मशीन लगाए रहते हैं, तो वहां पर क्या होता है, तो ऑडियो फोन होता है जिसको आला बोल देते हैं आसानी भाषा में। वो काम कैसे करता है कि आप लोग या हम लोग कोई बोलिएगा तो पहले मशीन रिकॉर्ड करता है और फिर उस आदमी को क्या करता है कि आप जैसे चुप होइएगा तो उसको सुनाता है। तो आप हमेशा देखते होंगे कि वो अगर आदमी से बात किए होंगे, वैसा आदमी जो मशीन लगाए रहते हैं, तो उनसे बात करिएगा तो पता चलेगा कि आप पहले चुप हो जाएगा ना, तो थोड़ा देरी के बाद बोलेंगे, क्योंकि वो रिकॉर्डर जो होता है पहले रिकॉर्ड करके सुनाता है। तो वहां पर ऑडियो फोन होता है। ये ऑडियो मीटर का काम होता है जो ध्वनि का तीव्रता को क्या करता है कि मापता है, का क्या करता है, तो ऑडियो मीटर के द्वारा ये मापा जाता है ध्वनि का तीव्रता, तो ये बात आपको याद रखना है। एनीमोमीटर का काम क्या है कि पवन का जो वेग होता है ना, हवा का जो वेग होता है उसको ये मापता है। क्रोनोमीटर क्या है, तो क्रोनोमीटर एक तरह का वाच है, ठीक है, घड़ी है, ये बात आपको याद रखना है। क्रोनोमीटर कैसे काम करता है, तो यहाँ पर कोई भी टेम्परेचर रहे, कोई भी एटमोस्फेरिक प्रेशर रहे, एक कोई भी ह्यूमिडिटी रहे, तो वहां पर भी ये समय क्या कर देता है कि एकदम पूरी तरह से शुद्ध बता देगा। जैसे कि आपका नॉर्मल वॉच है
वहां पर अगर कोई भी टेम्परेचर ह्यूमिडिटी बढ़ने लगता है और साथ ही साथ एटमोस्फेरिक प्रेशर बढ़ने लगता है तो वो सही से समय नहीं बताएगा। लेकिन कैसा भी टेम्परेचर रहे, कैसा भी ह्यूमिडिटी रहे, कैसा भी आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर रहे, ये हमेशा आपका समय सही बताता है। कौन? तो क्रोनोमीटर। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाता है आपका? आइडियोमीटर। ये बात आपको ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? एमपीपीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो पानी के बहाव की गति को, पानी की गहराई को, पवन वेग को या प्रकाश की तीव्रता को। तो यहाँ पर अभी हम लोग देखे थे कि एनीमोमीटर का जो उपयोग किया जाता है पवन वेग को मापा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वायु की गति को निम्नलिखित द्वारा मापी जाती है? फिर से यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछ लिया। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा एनीमोमीटर। बैरोमीटर से हम लोग जानते हैं कि एटमोस्फेरिक प्रेशर मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से क्या होता है कि लिक्विड का डेंसिटी को मापा जाता है, जल का जो डेंसिटी होता है या द्रव का उसका डेंसिटी को हम लोग मापते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? यूपीपीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था। एनीमोमीटर अभी हम लोग देखे कि ये वायु के चाल को मापता है, ठीक है, हवा जो एयर है उसका स्पीड को मापता है। अमीटर जो होता है विद्युत धारा को मापता है, ये हम लोग देखे थे। ठीक है, टैकियोमीटर जो होता है दावांतर मतलब कि जो प्रेशर के बीच में डिफरेंस होता है उसका नापता है, या पायरोमीटर जो होता है उच्च ताप को। तो ये दोनों के बारे में अभी तक हम लोग नहीं सुने हैं जब से क्लास हो रहा है। ठीक है, तो टैकियोमीटर जो है दावांतर को नहीं मापता है, प्रेशर के बीच के मतलब के जो प्रेशर के बीच के जो डिफरेंस होता है उसको नहीं मापता है। अरे पायरो जो मीटर होता है उच्च ताप को मापता है। ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कारण है कि यह सुमिलित नहीं है। तो काम क्या करता है तो आपको याद रखना है कि एक एक तरह का एक उपकरण है, सर्वेक्षण उपकरण है, जो क्या करता है जिसके द्वारा काम क्या होता है कि क्षैतिज दूरियों और लंबवत उन्नयनों को क्या किया जाता है दिशाओं में एक त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है। अब जैसे क्षैतिज दूरी क्या होता है कि होरिजेंटली एक मान लिया जाए कि कोई डिस्टेंस है, लंबवत जैसे कि वर्टिकली कोई एंगल है, और दिशाओं में त्वरित कोई वस्तु है ना, तो उसके लिए डिजाइन किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग में लाया जाता है? ये बात आपसे पूछ रहा है। तो पायरोमीटर के बारे में अभी हम लोग देखे थे कि ये उच्च ताप के लिए उपयोग में लाया जाता है। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। पायरोमीटर के कहाँ पे उपयोग में लाते हैं तो आपको याद रखना है कि उच्च टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर रहेगा, जैसे कि सन के सतह का टेम्परेचर मापेंगे तो क्या चीज से मापेंगे? वहां पर जाकर छू कर तो नहीं देखेंगे, तो उससे क्या चीज का उपयोग करेंगे? तो पायरोमीटर का उपयोग करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। पायरोमीटर जो होता है 800 डिग्री सेल्सियस से कम को ये नहीं मापता है। कारण क्या होता है कि जहां पे रेडिएशन निकलेगा ना वहीं पर ये क्या करेगा कि उसको गणना करेगा, डिटेक्ट करेगा, और जहां पर 800 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है कि कम होता है जिसका टेम्परेचर, उसमें से रेडिएशन बहुत कम मात्रा में निकलेगा तो उसको ये गणना नहीं कर पाता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जो काम करता है स्टीफन के नियम पे काम करता है, और दूर में कोई जैसे सूर्य आदि का मतलब कि सन ऐसा चीज का क्या करता है टेम्परेचर को मापने में ये काम करता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? तो पायरोमीटर अभी हम लोग देखे थे, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? पायरोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी या द्रव तापमापी। तो आपको याद रखना है कि विकिरण तापमापी कहा जाता है, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर इसका नाम है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कॉमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।